विकेटकीपर बल्लेबाज गेंदबाज और स्पेशल ऑलराउंडर केदार जाधव ने लिया संन्यास। केदार जाधव को आप क्या कहेंगे, जो विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी और बॉलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा तो कोई स्पेशल खिलाड़ी ही कर सकता है। केदार जाधव ने 39 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों में वो दिनेश कार्तिक के बाद दूसरे भारतीय विकेटकीपर खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। जाधव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत के लिए 73 वनडे मैच खेलते हुए 1389 रन बनाए और गेंदबाजी में 27 विकेट भी लिए। वो केवल 9 T20 मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर पाए, जिनमें उनके बल्ले से केवल 122 रन निकले। मगर केदार जाधव बेहद खास किस्म के खिलाड़ी रहे। उन्होंने विकेट कीपिंग के अलावा बैटिंग और बॉलिंग भी की। केदार जाधव की खासियत। केदार जाधव ने एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर 2014 में भारत के स्क्वाड को ज्वाइन किया था, मगर जाधव एक विकेट कीपर बल्लेबाज से कहीं अधिक है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनके नाम एक या दो नहीं बल्कि 27 विकेट हैं। वनडे क्रिकेट में उनका औसत 42 से भी अधिक रहा और अपनी 56 एक दिवसीय पारियों में उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतकीय पारियां भी खेली। एक ऐसे खिलाड़ी को क्या कहें जो विकेट कीपर हो, अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हो और साथ साथ गेंदबाजी में अपनी फिरकी के दम पर विकेट भी चटकाता हो। ये सभी खासियत एक स्पेशल क्रिकेटर में ही हो सकती है। यह तथ्य हैरान कर देने वाला है कि जाधव अपने वनडे करियर में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कुल 3 बार आउट कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम को भी विकेट लिया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी छोड़ी थी छाप। दरअसल केदार जाधव की गेंदबाजी को सबसे पहले फैन तब मिला जब उनकी राउंड आर्म एक्शन के साथ स्पिन गेंदबाजी का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। वहीं MS धोनी का उनके गेंदबाजी एक्शन पर कमेंट का वीडियो आज भी रील्स के माध्यम से ट्रेंड में बना रहता है। मगर केदार जाधव अपने डोमेस्टिक करियर के दिनों से ही एक विकेट कीपर होते हुए गेंदबाजी करते आ रहे हैं। वे भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र के लिए खेलते रहे हैं। विशेष रूप से लिस्ट ए करियर की बात करें तो उन्होंने 36 विकेट लिए। कुल मिलाकर T20 मैचों में 6 और फर्स्ट क्लास करियर में 2 विकेट ले चुके हैं।